नक्सलियों के निशाने पर दंतेवाड़ा पुलिस और जनप्रतिनिधियों के अलावा अब प्रशासनिक अफसर भी आ गए हैं। नक्सली अब कलेक्टर, एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों की रेकी करने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट तक पहुंच रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस को खबर मिली कि 5 लाख का इनामी नक्सली बुधरा टेटम के सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा है। लोकेशन मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई। डीआरजी जवानों ने कलेक्ट्रेट को घेर कर टेटम सरपंच को कब्जे में ले लिया। पूछताछ पर हुए खुलासे में पुलिस खुद चौंक गई। सरपंच ने पुलिस अफसरों को बताया कि कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य अफसर नक्सलियों के निशाने पर हैं। इसके अलावा भी कई सारे खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के बाहर से लेकर कलेक्टर दफ्तर के बाहर तक सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत गजबी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रशांत, यकीनन ये खबर चौंकाने वाली है, इसके बाद और क्या कुछ आप सुगबुगाहट अब सुरक्षा इंतजामों को लेकर देख रहे हैं? जी बिल्कुल सोहेल जी, ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन जिस तरीके से माहौल पिछले कुछ महीनों में तैयार किया है दंतेवाड़ा में पुलिस विभाग ने, ये कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट बिल्कुल कही जा सकती है। क्योंकि बीते 4 महीनों में जिस तरीके से लोन वराटू अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरेंडर हो रहा है, और एक तरीके से एक सफल अभियान कहा जा सकता है इसे। और उसके बाद कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से बदले एड़ का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जो लोग जेल गए या फिर अन्य जो लोग हैं जो नक्सलियों से कभी ना कभी मुलाकात किए हैं या फिर नक्सलियों के संपर्क में थे, उन सारे लोगों को इस अभियान के तहत जो है किसी प्रकार से दोबारा नक्सलियों के संपर्क में ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया। तो इसको देखते हुए लगातार जो है नक्सल संगठन खासतौर पर दंतेवाड़ा जिले में काफी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसका यह परिणाम है कि अब जो है नक्सलियों की बौखलाहट है और अब इस तरीके की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और लेकिन एक चौंकाने वाली बात बिल्कुल है कि किस तरीके से कलेक्ट्रेट तक जो है बड़ा नक्सली लीडर पहुंच जाता है और इस बात की सूचना जो है काफी देर लगती है, और इस बीच अगर कोई बड़ी घटना होती तो एक बड़ा सवाल बिल्कुल खड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते चीजों को संभाल लिया गया है। और जो एडम का जो टेटम जो पंचायत के जो सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, उससे ये खुलासा हुआ है ट्रेस करने के बाद नंबर को, कि नक्सलियों के अब निशाने पर प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं और कलेक्टर, एसडीएम, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ऐसे रेंज के जो अधिकारी हैं वो अब नक्सलियों के निशाने पर हैं, और इस तरीके से जो है नक्सली रणनीति तैयार कर रहे हैं और रैकी करने के लिए जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जो है नक्सली पहुंच रहे हैं। और बड़ा नाम जो नक्सलियों का लीडर है वो अगर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बिल्कुल साजिश तैयार कर रहे हैं नक्सली, और ये साजिश को कहीं ना कहीं अब पुलिस बिल्कुल भी जो है अंजाम होने नहीं देना चाहती। जिस तरीके से अब सारे अधिकारियों के कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और सुरक्षा इस बात के लिए बढ़ा दी गई है कि अभी फिलहाल आने वाले समय में त्यौहार है, कल दिवाली का मौसम त्यौहार है, और इस दौरान नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। और जो अलग अलग सूचना तंत्र है पुलिस के, वो सारे सूचना तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस जो है अलर्ट मोड में है, और दंतेवाड़ा जिले में सर्चिंग जो है अब बढ़ा दी गई है। चलिए, बड़ी खबर है और इसको कामयाबी भी पुलिस की कही जाएगी। वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया गया, अब पूछताछ पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ नए खुलासे और क्या कुछ नए सुराग पुलिस के हाथ लगते हैं।